जिस साधु को हम सिद्ध करना चाहते हैं वो जहाँ पे नहीं है वो क्या विपक्ष हो।
वो जहाँ पे निश्चित रूप में है वो हो गया स्वपक्ष, जहाँ पे वो संदेह हो रहा है वो पक्ष, बस इतना ही पक्ष, इतना ही उनकी परिभाषा है। तो कल देखिए हम लोग इसको कहाँ तक पढ़ लिए थे, घटाकाश आदिशु अनेक कांतिकम विवक्षित श्लोक अक्षराणी उत्पादन, तुम्हारे ये अनुमान घटाकाश आदि में वो व्यभिचार करना, इसीलिए ये तुम्हारा उसको समझाने के लिए, क्योंकि घट में अलग अलग नाम रूप है, क्योंकि घटाकाश एक ही है, घटाकाश 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 एक ही आकाश एक ही है, इसलिए बोलते हैं घटाकाश आदिशु अनेक अंतिकम, घटाकाश परकाकाश अपवर्ग आकाश, इसमें इसका व्यभिचार है, इसको मन में रखते श्लोक के अक्षर को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्कर उच्चते आकाश एक आकाश घटे आकाशानाम अल्पत्व महत्वादी रूपाणी युद्धते, जैसे एक ही आकाश घट के अंदर भी है, कमंडल में भी है, गृह में भी है, उस आकाश में कहीं अल्पत्व महत्व है इसका रूप में भिन्नता है, ठीक उसी प्रकार से जो उसका कार्य भी भिन्नता है, घट घट के द्वारा हम पानी लाते हैं और कमंडल में अपना ग्लास में पानी रखते हैं और आकाश मतलब इलाकाश में हम लोग सोते हैं, इसका कार्य भी भिन्नता है, उसका आकार भी भिन्नता है, ठीक किसी प्रकार, परंतु ये जो उपाधि का आकार भिन्नता है, इसीलिए आकाश के आकार में भिन्नता की प्रतीति हो गया, वास्तविक आकाश का अपना कोई आकार नहीं है, है ना, इसी को हम ये बोलते हैं शयनादि समाख्य विद्यते, यह व्यायाम होता था कार्य, उसका कार्य में उदक आहरण घट के द्वारा जल लाते हैं और ग्लास में जल को रखते भी क्या धारण और शयनादि समाक्षण, न तो गृहकाश में आप सोते हैं, समाख्य यहाँ पे जो समाख्य पद दिया हुआ है शयनादि समाख्य विद्यते इति संबंधित आगे विद्यम थे इसके शुरू में ना किसी लैंग सेकेंड लैंग के शुरू में जो वेतन पे दिया हुआ उसके साथ इसका अन्याय होगा, तथा यह आकाश एकस्मिन घटाकाश कर्काकाश अपवर्ग आकाश अनम अल्पत्व महत्व आदि रूपाणि विद्यन्ते, तथा कार्य मूलक आहरण धारण शयन आदि समाकाश्च विद्यन्ते, भव्य अन्याय जैसे नाम में भिन्नता है उसी प्रकार अर्थ क्रिया का भिन्न, जैसे क्रियाकार बोलते हैं शयन आदि समाकाश्च विद्यन्ते इति संबंध। फिर क्या बोला कि इत्यादि घटाकाश कर्काकाश इत्यादि तत्कृतश्च भिन्न दृश्यन्ते, ये जो घट और आकाश कर इसके कारण से आकाश में भिन्नता की भिन्न प्रतीति होते हैं, घटाकाश कर्काकाश इत्यादि इस प्रकार का जो आकाश का अलग अलग नाम हुआ है तत्कृत मतलब उपाधि कृतश्च भिन्न दृश्यन्ते, उपाधि के कारण से ये भिन्नता के अधिकारी बनते हैं। देखिए वहाँ पे तत्शब्द का अर्थ का लिखते हैं टीका तत्कृतश्चर तत्शब्द न विकल्पित घटाकाश भेद गृह्यते, तत्शब्द का क्या जगह जिसके ऊपर हमने विकल्प उपाधि को लेकर के हमें तत्शब्द उपाधि कृतश्च भिन्न दृश्यन्ते, उपाधि के कारण वो भिन्न जैसा दिखाई पड़ते हैं तत्कृतश्च इति अत्र, यहाँ पे जो भाष्य का किस पंक्ति है इसमें जो अत्र यहाँ पे तत्शब्द न तत्शब्द द्वारा विकल्पित घटाकाश भेद गृह्यते, मतलब विकल्प दिया कि ये घट एक पट ये मत इसके कारण आकाश में भिन्नता की प्रतीति हो जाए, और अगर चकार क्या बोला तत्कृतश्च चकार अवधारणा, तो निश्चित ही इस उपाधि के कारण ही ये क्या होता है आकाश में भिन्नता की प्रतीति होती है, छोटा जिस प्रकार इसके अंदर आकाश है, उसका बड़ा के अंदर भी आकाश है, इस बढ़ते जनता तक इसका बड़े के अंदर भी आकाश है, तो इस आकाश के आकार में प्रकृति की भिन्नता क्यों हो रहा है, वो उपाधि के आकार की भिन्नता के कारण, उसके नाम की भिन्नता, उसके काम की भिन्नता, उसकी मतलब ना रूप की भिन्नता, रूप की भिन्नता केवल उपाधि के, तो आकाश में कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आगे बोलते हैं चकार अवधान, यदि आकाश में आप समझ जाएंगे तो आत्मा में भी ठीक ऐसा ही है, आत्मा भी इसका आत्मा एक ही है, पूर्ण है, व्यापक है, असंग है, हमारे पास एक ही दृष्टा, तो भगवान ने सृष्टि ऐसा बनाया देखिए कि हर चीज कुछ अलौकिक वस्तु को समझने के लिए कोई ना कोई लौकिक दृष्टांत के बिना समझ नहीं सकते, भगवान ने बनाया ही ऐसा, आकाश को बनाया आत्मा स्वरूप को समझने के लिए और आत्मा के स्वरूप आनंदमय इसको समझा, इसको समझाने के लिए सुजुक्ति को बनाया, सुजुक्ति को बनाया कि जो है इस समय आप विषय से नहीं होकर के अपने में रहे तो आनंद में रहोगे और जागृत में ऐसा कर लो आनंद में रहोगे, भगवान ने सब दृष्टांत हमारे सामने बना के दिया, परंतु एक माया के साथ में बना लिया, ये गड़बड़ हो गया,
सब उल्टा उल्टा कर देते हैं, उनको पूरा फटका देते हैं। यही गर्भ देखना होता है। चकार यहाँ का अवधारणा, चकार यहाँ का पिताश्च भिन्ना दृश्यन्ते। अच्छा फिर देखिए घटाकाशिकम घटाकाशादीनाम उक्त हेतुत्ते अपि विपक्षत्व अभावे कथम अनेकांतिकत्वम इति आशंका। आपका हेतु व्यभिचार कब होगा? यदि शाद्र अभाव होगा वृत्तित्वम व्यभिचारिकम। शाद्र अभाव में यदि हेतु बैठता है तो आप उसको व्यभिचारी हेतु बोलते हैं। जहाँ पे शाद्र अभाव रहता है उसका विपक्ष बोलते हैं। यानी कि विपक्ष में यदि हेतु बैठ जाता है तब वो व्यभिचारी हेतु। अब यदि आपने बोला भिन्न नाम अगत्वा, भिन्न नाम आकाश में, आकाश के नाम भिन्न है कि खड़ा पटा पट के नाम भिन्न है? घटपट के नाम भिन्न है। इसीलिए भी है वो घटपट को लेकर के आकाश की भिन्नता की प्रतीति होती है। आकाश के नाम में भिन्नता आकाश की होती है। घट के साथ मिलकर के घटाकाश, पट के साथ मिलकर के पटाकाश, करक के साथ मिलकर के करक आकाश, विलो के साथ मिलकर के गृह आकाश, पर आकाश होती है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं घटाकाश आदि ने उक्त हेतु कभी घटाकाश आदि ने। ठीक है, वहाँ पे जो नाम रूप समानता की भिन्नता है, विपक्ष तो अभाव होते विपक्ष में नहीं करता है। प्रथम आपका तो कोई विपक्ष नहीं है, क्योंकि विपक्ष में जाकर के हमारा हेतु बैठ जाता तब आप बोलते कि हेतु रह चाहिए, तब आप बोलते रह चाहिए। तो आप तो विपक्ष और प्रथम अनेक तो कैसे आया? तब बोलते हैं सर्व अयम आकाश, ये जो आपने आकाश में बोल रहे हैं ना, आकाश में भेद देख रहे हो, आकाश में भेद नहीं है। और आप उसमें घटाकाश की अलग कार्यतम और पटाकाश की अलग कार्यतम, अठाकाश की अलग कार्यतम, वास्तविक आकाश में भेद नहीं। वहाँ पे शक्ति बह जाते भिन्न नाम तत्व के हेतु, भिन्न कार्य कारत्व के हेतु और भिन्न रूप तत्व के, तीनों में कहाँ पे बैठा है? आकाश में बैठा, घटाकाश पटाकाश माठाकाश में बैठा है। बोले तो क्या होगा, तुम्हारी हेतु वास्तविक आकाश में भिन्नता नहीं है। सर्वो अयम आकाशे रूपादि भेद अभावे, आकाश में जो भेद दिखाई पड़ता है ना वो उपाधि के रूप है, उस उपाधि के भिन्नता रूप के भिन्नता के कारण ऐसा व्यवहार होता है। वास्तविक परमार्थिक आकाश में कोई व्यवहार दिखाई नहीं, इसका अभिप्राय करते हैं। इसलिए परमार्थस्तु आकाश से न भेद वस्तु, परमार्थिक दृष्टि से आकाश में कोई भेद नहीं है। ये दृष्टान्त में अगर हम किसको समझे, दृष्टान्त है, दृष्टान्त क्या आत्मा है ना, वहाँ से आत्मा में भी कोई भेद नहीं है। इसमें तुम्हारी अनुमान जो है कार्य कर रही है, अपने शास्त्र को सिद्ध नहीं कर पा। इस विषय में सर्वो अयम आकाश रूप, आकाश है रूपादि भेद व्यवहार, मतलब जो उपाधि का रूप है उसकी रूप के कारण आकाश में भिन्नता की प्रतीति होती है। ये जो बोला उक्त अत्य तृतीय पादम विभाजक, तृतीय पाद का क्या है? आकाश से न भेद अस्ति, यह उसको बोलते हैं कि न आकाश भेद निमित्त व्यवहार अस्ति। आकाश भेद के निमित्त व्यवहार नहीं है, उपाधि भेद के निमित्त व्यवहार। ये सूक्ष्मता को समझ नहीं पाता। जहाँ पे भिन्न आकाश तो यदि है, इसलिए बोलते हैं न आकाश भेद निमित्त व्यवहार अस्ति। अंतरेण परोपाधिकृत द्वारा, वो जो उपाधिकृत दरवाजा को किए बिना आकाश में व्यवहार की भिन्नता नहीं हो सकता। उपाधि की जो दरवाजा को आश्रय किए बिना आकाश में व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। उपाधि होगा देहाकाश, ये दीवार हल्के पहले आकाश में व्यवहार हो रहा है, यहाँ बैठे पठन पठन कर रहे हैं, और ये हो गया आपका कमंडल आकाश जो पानी रखने का, इसके अंदर जल रखने के लिए उपाधि के आश्रय करके इस मतलब व्यवहार हो रहा है आकाश में भिन्न भिन्न। यदि उपाधि हट जाए कोई व्यवहार नहीं, कोई व्यवहार नहीं। इसलिए आकाश सचना भेद अस्ति, आकाश में पर उपाधि के प्रकार, मतलब आकाश से भिन्न उपाधि को दरवाजा को बनाए बिना आकाश में भी व्यवहार सिद्ध नहीं। इसलिए बोलते हैं न तो आकाश भेद निमित्त व्यवहार अस्ति अंतरे में पर उपाधि के द्वार। यहाँ पे जो पर शब्द आया हुआ ना, पर मतलब पर उपाधि शब्द है ना, घट कर कार्य उच्चते, पर उपाधि का तो मतलब घट का, घट उपाधि, पट उपाधि, कर उपाधि, कमंडल उपाधि, गृह उपाधि, इस उपाधि के कारण आकाश में भिन्नता की प्रकृति होती है और व्यवहार में भिन्नता होती है। अब क्या बोलते हैं कि दृष्टान्तम अनूद्य दृष्टान्तिकम व्याचष्य। दृष्टान्त क्या हो गया? दृष्टान्त क्या है? आकाश। और दृष्टान्त क्या है? आत्मा। हाँ, दृष्टान्त आकाश, दृष्टान्त आत्मा। अब दृष्टान्त को समझा के दृष्टान्त को समझा रहा है। अब इसलिए बोलते हैं कि दृष्टान्तम अनुद्ध, दृष्टान्त को अनुवाद करके दृष्टान्तिकम व्यापक, दृष्टान्तम उसका व्याख्या करते हैं। क्या बोलते हैं? यथा एतत्, जिस प्रकार ये आकाश में व्यवहार होता है, तद्वत
देह उपाधि भेद कृतेषु जीवेषु। इस प्रकार वहां पे घट का अलग आकार, पट का अलग आकार, करक का अलग आकार, मठ का अलग आकार, उससे उपाधि भेद से आकार। इसी प्रकार देह उपाधि भेदेशु, शरीर तो अलग अलग है, देवता भी एक प्रकार की शरीर, वो पेड़ पौधों का अलग प्रकार की शरीर, पशु का अलग प्रकार की शरीर, मनुष्य का अलग प्रकार की शरीर। इस प्रकार इस शरीर के भेद के कारण यहाँ पे आत्मा की अलग अलग प्रती होती है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यथा एतद् तद्वत्, इस प्रकार आकाश ठीक उसी प्रकार से देह उपाधि भेद प्रतिशु जीवेशु, देह उपाधि के कारण जो भेद प्रतीति हो रहे जीवों में, उस जीवों में घटाकाश स्थानीयेषु, घटाकाश का स्थान हो गया जीव, और आत्मा स्वरूप आकाश हो गया आत्मा के स्थान। निरूपण निरूपणा, उस प्रकार निरूपण करने से इन लोगों के द्वारा निरूपण किया गया, कृतः बुद्धिमत भी विवेकी व्यक्ति को द्वारा ऐसा निर्णय, कृतः निर्णय या निरूपित बुद्धिमत भी निर्णय मतलब निश्चय कर, तद्वत जीवेशु निर्णय, सामान्य व्यक्ति इसको विचार नहीं करने से समझ नहीं पाएगा, विचार पूर्वक पाचन नहीं समझ नहीं आता। इसको बोलते हैं जीवेशु भटाकाश स्थानीयेशु, जीव हो गया भटाकाश के स्थान पर, आत्मसु जीवात्मा बोलते हैं, निरूपणा यहाँ पे ऐसा निरूपण किया गया वास्तविक आत्मा में भेद नहीं है, उपाधि के कारण भेद की प्रतीति होती है। इसलिए इस प्रकार ये ऐसा निरूपण करके दिखाएगा, कृत इन लोगों के द्वारा बुद्धि मतभी विवेकी व्यक्ति के द्वारा ये रही निर्णय मतलब निश्चय कृत इत्यादि, ऐसा निश्चय करके इस प्रकार से छह नंबर भी पूरा हो जाता है। ठीक है ना, छह नंबर जो पोतो आप ध्यान देना कि अनुमान में एक पक्ष, एक सपक्ष, एक विपक्ष है ना, धुआं के लिए पक्ष हो गया पहाड़, स्वपक्ष हो गया महानस, और विपक्ष हो गया जलगण। इसी प्रकार आत्मा भेद के लिए आत्मा हो गया पक्ष, स्वपक्ष हो गया आत्मा में जो भेद दिखा रहे जब भेद देते हो उसके स्वपक्ष हो जाएगा घट पर, और विपक्ष हो जाएगा आत्मा, उस पूर्व वाली आत्मा पूर्व, और हमारे पक्ष में आत्मा ही हमारे आकाश हमारे लिए दृष्टांत हमारे जब भेद नहीं है बोलिए, जैसे आत्मा भिन्न नहीं है, क्यों, क्योंकि उपाधि के कारण भिन्नता की प्रतीति होती है। जैसे आकाश में आत्मा में पारमार्थिक भिन्नता नहीं है, आत्मा में पारमार्थिक भिन्नता नहीं है, उपाधि के कारण भिन्नता की प्रतीति मात्र है, जैसे आकाश की हमारी चेतना। अब आगे श्लोक की उपाख्या दी है, घटाकाशादीना विपक्षत्वाशंक परिहरति, ये जो आप बोल रहे हैं कि घटाकाश आदि जो है विपक्ष, घटाकाश आदि नाम विपक्ष, उसमें विपक्ष धर्म, क्योंकि आकाश में आकाश को लेकर के बोला, आकाश को लेकर के बोलते हैं घटाकाश वास्तविक महाकाश का विकार है कि अवयव है, घटाकाश महाकाश की विकार है कि अवयव है, कुछ भी नहीं है। इसलिए घटाकाश आदि नाम विपक्ष अभाव आशंका, उसका वो विपक्ष नहीं हो सकता है, इसीलिए आशंका तो पड़ी। आपने जो बोला आकाश शब्द को लेकर के अपने विपक्ष मना है, तो आपके विपक्ष में हेतु बैठ रहा था, मतलब घटाकाश की व्यवहार नाम अलग, कार्यकारिता अलग, रूप अलग, घटाकाश की नाम अलग, कार्यकारिता अलग, रूप अलग, इसी प्रकार परकाकाश की नाम अलग, रूप अलग, व्यवहार की भिन्नता हो रहा है उस उपाधि के कारण, आकाश में भिन्नता नहीं है, यहाँ पे जो है बोलते घटाकाश आदि नाम विपक्ष अभाव हो, विपक्ष नहीं होगा, ऐसे शंका करके उसका परिहार करते हैं, नहीं नहीं यही भी आकाश ही विपक्ष बैठा होगा तुम्हारे अनुमान आकाश। नकाशस्य घटाकाशो नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा, विकारावयवो यथा, नैवात्मनः सदा जीवो, नैवात्मनः सदा जीवो, विकारावयवो तथा, विकारावयवो तथा, नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा, नैवात्मनः सदा जीवो, विकारावयवो तथा। कितना भी बोलते हैं जैसे घटाकाश महाकाश का ना विकार है ना अवयव, विकार मतलब परिणाम भी नहीं हुआ, उसको टुकड़ा भी नहीं किया। आकाशस्य घटाकाश यथा न विकारो नापि अवयव, विकार अवयव यथा न भवति, ठीक इसी प्रकार
आत्मन सदा जीव विकार अवयव तथा न भवति। परमात्मा का जीवात्मा न विकार होता है न अवयव होता है। तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशा, उसको सृष्टि करके अविकारी रूप में परमात्मा यहाँ पे प्रवेश किया, तो विकार उत्पन्न नहीं है। भगवान जी बोलते हैं कि ममई मांसो जीव लोके, आगे क्या बोला, सनातन अंश होगा तो सनातन होगा, सनातन मतलब चिरंतन, अंश मतलब परिच्छिन्न सावयव नाश होगा। एक ही जगह पे वही जगह पे खड़े होकर के देख लो तो वहां पे अंश बोलना अभिप्राय नहीं है, वहां से अंश के अभिप्राय तो पोटेंशियलिटी, वहां पे मेरे अंदर शुद्ध आत्मा में सचिद आनंद में जो अमृतत्व कहीं कोई कमी नहीं है। तो आप अंश क्यों बोला, हमें अंश जीव लोग जीव भूत सनातन, अंश इसलिए बोला कि जो प्रतीति है जो अनुवाद भाग है, जो अनुवाद भाग है प्रतिवाद तो भाग नहीं है, प्रतिवाद तो एक है ईश्वर तो निर्गुण है, ईश्वर का गुण वाला है। अगर ईश्वर की गुण मानोगे सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान, माया उपाधि में है वो, तो माया उपाधि में है जीव का अंतकरण उपाधि, अल्पत्र अल्पत्र अल्प शक्ति मानो उपाधि में भिन्न रहता है। निर्गुण इलाका विशेष तो हमें तो कुछ भी गुण नहीं है। आप ईश्वर को बोलते हो सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान, आप ब्रह्म को नहीं बोलते हैं, ब्रह्म को शब्द नहीं प्रयोग करते, वो माया उपाधि से ईश्वर में सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान, जीव की अविद्या उपाधि से अल्पज्ञ अल्पत्र अल्प शक्तिमान, ये भिन्नता प्रतीति होती है। उपाधि को हटा दो, ना वहाँ अल्पत्व न सर्वज्ञत्व कुछ नहीं है, न अल्पत्व है न सर्वज्ञत्व है, जब सर्व और हाई तो भक्त कहाँ से आएगा, एक ही ग्रह आपके पास, एक नहीं मैं हूँ और तो कुछ है नहीं, और जो मैं सर्व हमेशा मेरी विशेष हूँ, हमेशा मेरी विशेष हूँ, कहाँ से आएगा। इसीलिए जो है कि ममई वांश कई जगह पे ममई वांश दास उपरना ये सब जो है जो पूर्ववादी के लिए बहुत बड़ा है, वो आपको आगे जो आपका पद दिया है उसको नहीं रखेगी, भेद भेद प्रतिपादन करने वाला इतम भी बंद हो शुद्ध दस्य लोग प्रवेश लोग पर बेहतर दो तो दिखा रहे दासु करना मई वंश जी बोल रहे, ये सब जो है ये श्रुति स्मृति वाक्यों को लेकर के पूर्ववादी बोलते हैं कि तो भेद प्रतिपादन कर भगवान भाषा को कहा आगे पीछे देखो क्या बोलते हैं, इतम भी बंद शुरू करके क्या कहता है, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म उसको प्रसंगा देखो सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शन है ना, इसलिए पूरा प्रति मतलब प्रकरण को पूरा देखो क्या प्रतिपाद्य विषय है, समझ में आ जाएगा। श्रुति में एक प्रतिपाद्य भाग है एक अनुवाद भाग है, अनुवाद भाग जो हमारी बुद्धि में बैठी हुई है उसको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति वहाँ पे सर को देख करके डर के मारे भाग रहा है, अथवा चोर चोर सांप सांप भाग रहा है, उस व्यक्ति को बोला मैं मूर्ख तो वहां पर सांप है ये बोलने से रुकेगा, वो देख जाए अपने हाथ के अंदर सांप है, हाँ हाँ तुम ठीक बोलते रुको तो भागने से बचा हम लोग सांप को मारेंगे, तो ये जो भाग है हमने उसकी उसकी मनोवृत्ति को अनुवाद की, क्यों उसकी भ्रांति को मिटाने की, नहीं तो रुकेंगे हमारे सामने भाग लेंगे विरोध करने लग जाएगा हम, इसलिए ये स्मृति की अनुवाद भाग की उपयोगिता है। अब शास्त्र को पढ़ो अनुवाद भाग नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे, जो हम समझ रहे हैं उसको पहले समझेंगे, फिर वहाँ पे क्या कमी है उतना जगह दिखा दिए, उतना जगह दिखा दिए। देखो उपाधि में भिन्नता है, उपाधि में अर्थ क्रिया करता है, रूप उपाधि में है आत्मा में भी, इतना ही काम गौर पता चल सकता है। आकाश आदि न विपक्षत्व अभाव आशंक परिहरती न आकाश से घटाकाश विकार अवयव क्या कर, इस प्रकार से घटाकाश करक आकाश का मंडल आकाश मंडलाकाश है ना, ये जो है आकाश का ना विकार है ना अवयव है, क्या आकाश विकार मतलब तो परिणाम हुआ, जैसा मृत्यु का घट रूप में परिणाम होता है ऐसे आकाश घटाकाश रूप में परिणाम हुआ, क्या क्या घट आकाश को परिच्छिन्न कर दिया, घटाकाश और महाकाश है, जैसे ये बॉटल में घटाकाश है
बिल्कुल आकाश को परिचय तो केवल इतना ही नहीं, इवन जो इसके अंदर इंटर मॉलिकुलर स्पेस है उसके अंदर भी आकाश है। आकाश का तो भेद नहीं हो सकता, इतना जितना सूक्ष्म स्थल में चले जाओगे और ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, जब आपको आप तो जानते हो आप रिसर्च करने वाली होंगी जिसको जो आप इसमें देखेंगे कितना बड़ा न्यूक्लियर फिशन फिशन का कितना बड़ा चीज है उसमें से कितना पावरफुल कितना पोटेंशियल है उसमें। इसीलिए ये जो आकाश में कोई भिन्नता नहीं है, जिस प्रकार मान लो इस खिड़की बंद है इसीलिए आकाश वहाँ पर टुकड़ा हो गया क्या? बाहर का आकाश और कमरे का आकाश हमने खिड़की खोल दिया अभी तो एक दिखाई दे, जब बंद करते हैं तो क्या खिड़की आकाश की टुकड़ा क्या मिलता है क्या? तो एक ही आकाश है तब भी कोई तो खिड़की के अंदर भी वही आकाश भरा हुआ है। क्यों कैसे पता लगा? थोड़ा सा खिड़की में आवाज उंगली लगाओ आवाज होता है, क्योंकि वहाँ पर आकाश नहीं होगी तो आवाज नहीं होगी। एक भ्रमण है इसके लिए, इसीलिए जिस प्रकार आकाश का कहीं भी किसी प्रकार से अभाव नहीं होता तब इतना ही है दृष्टा प्रश्न आकाश की उत्पत्ति होती है। वेदांत सिद्धांत होता है आत्मा को भी आत्मा को भी जीव सनातन रूप है ये कह रहा है मेरा अंश में मतलब जितना सामर्थ्य मुझ में है उतना सामर्थ्य जीव में भी है। अनुवाद भाव है और परंतु ये दिखाने के लिए कि छोटे में भी पावर उतना ही। देखो कबीरदास जी कितना सुंदर एक गोवा में कितना सुंदर है, बूंद समय सागर में ताही देखे सब कोई, बूंद समय सागर में ताही देखे सब कोई, सागर समय बूंद में बिरला समझे कोई, सागर समय बूंद में बिरला समझे कोई। बिरल व्यक्ति समझ सकता है वो सागर के अंदर जो मतलब बूंद है मतलब पोटेंशियलिटी है वो एक बूंद में भी उतनी पोटेंशियलिटी है देखने में। जब तक सागर में जो जल बिंदु अलग कर सकते आत्मा को बिंदु रूप में अलग कर सकता है क्या? होना संभव ही नहीं है। सागर की जल तो सावया पस्ते बिंदु बिंदु रूप में देखा दृष्टांत गुरु में कहता है बूंद समय सागर में ताही देखे सब कुछ है, परंतु सागर समय बूंद में बिरला समझे कोई। देखे नहीं समझे ये समझने की बात है, शब्द प्रयोग देखिए तो सभी व्यक्ति को देखने को समझ में आता है कि बूंद बूंद, परंतु वही सागर एक बूंद में पूर्ण सागर के पोटेंशियल बैठा हुआ है ये कुछ समझता है कुछ समझता है। ठीक है यहाँ भी ऐसे इसीलिए बोलते हैं घटाकाश आदि नाम विपक्ष का सर्व परिणाम इत्यादि न आकाश घटाकाश अधिकार अवय हो जाता नहीं तो आत्मा न सदा जीव। ठीक उसी प्रकार से किसी भी अवस्था में जीव न परमात्मा का विकार है न अवय है, जीव न परमात्मा का विकार है न अवय है ना, क्योंकि परमात्मा जो भी जीव विकार होगा तो परमात्मा विकार ही हो जाएगा। घटा जैसे घट जैसे मृतिका से बना हुआ है क्योंकि मृतिका एक परिणामी द्रव्य है तो परमात्मा को ऐसे परिणामी द्रव्य होना पड़ेगा। सावयव बनने के लिए परमात्मा को सावयव होना पड़ेगा और दोनों होना संभव नहीं, इसलिए बोलता है विकार अवयव होता है कि नहीं वो आत्मा न सदा जीव। ठीक उसी प्रकार से जो उस आत्मा का जीव ना विकार है ना अवयव है। अब देखिए टीका में देखिए क्या बोल रहे हैं घटाकाश आदि आकाशस्य विकार अवयव वा घटाकाश आकाश का विकार है अथवा अवैधी अंगीकार तथापि भेद से तात्विक अथवा तो हम ये भेद तात्विक है ना विवक्षता है कि श्लोक से व्यवहार है, इसलिए श्लोक में ही पूर्ववादी बोल रही है घटाकाश आदि आकाश से विकार घटाकाश आकाश का विकार है अवयव अथवा उसका अवयव मान लो। ठीक है ना, मतलब जैसे आपसे बताओ घटाकाश विकार कैसे बोलेंगे, जैसे मृतिका परिणत होकर के घड़ा बनता है इसी प्रकार आकाश परिणत होकर घटाकाश बना क्या? आकाश में तो कुछ नहीं ना, देखो इस आकाश उस घड़ा को बनने के लिए अवकाश किया, उस घड़ा को उस बनने का अवकाश किया, जो सुंदर रूप में आकाश धारण करने के अवकाश कर दिया, अवकाश का प्रेरणा आकाश में। इसीलिए प्रतीति होता है कि घट जो घट रूपी जो एक उपाधि बना वो आकाश को परिच्छिन्न कर दिया जैसा, आकाश न उसका अवयव है न विकार है। इसी यहाँ पे बोलते हैं तो पूर्ववादी बोलते हैं घटाकाश आदि आकाशस्य विकार अवयव वायु अंगीकारा ऐसा अंगीकार करता भेद, इसलिए वो भेद तात्विक है
কোন ঘটাকাশ ভেদ পরকাশ ভেদ এই ভেদ তাত্ত্বিক হ্যাঁ তাত্ত্বিক তব না বিপক্ষ সে তো বিপক্ষ নেই হ্যাঁ ও সপক্ষ হ্যাঁ হম আকাশ কো বিপক্ষ মানো ঘট উপাধি কে সাথ ঘটাকাশ বলা যা রা ইসলিয়ে না না বিপক্ষ কা এই শ্লোক সে ইস প্রকার সে শ্লোক কে দ্বারা নিরাকরণ করনে যে কো শঙ্কা হ্যায় উসকো ভগবান ভাষ্য উঠা দিয়ে ঠিক হ্যায় না প্রত্যেক শ্লোক মে দেখিয়ে আন্দর কো কারিকা কাল পূর্ববাদী কি এক এক শঙ্কা মত হমারে মন মে জিতনা শঙ্কা হ্যায় এক এক শঙ্কা কো নিরাকরণ করনে কি এক শ্লোক হ্যায় ইসলিয়ে তো বলতে হ্যায় ঘটাকাশ আদি আকাশস্য বিকার অবয়ব আদি অঙ্গীকার তত্রাপি ভেদস্য পাঁচ নম্বর টিপ্পণী ভেদস্য তাত্ত্বিকত্ব পাঁচ নম্বর টিপ্পণী বহতি ভেদ তাত্ত্বিক হোনে কে কারণ ঘটাকাশাদীনাম মহাকাশ বিকারত্ব অভ্যুপগমে তত অবয়বত্ব অভ্যুপগমে বা হ্যাঁ না উসকো বিকার মানো অথবা অবয়ব মানো অবয়বিত ভেদ অভাবে অপি ঘটাকাশাদীনাম अवयवी से भेद के अभाव होने पर भी मतलब वो जो अलग अलग घट में अलग अलग भेद हो जाएगा घटाकाश आदि नाम परस्पर भेद घटाकाश आदि में जो भेद है वो तात्विक भेद है अवयवी कौन हो गया आकाश आकाश में भेद नहीं होने पर भी आकाश में भेद नहीं होने पर भी अवयव में भेद हो जाएगा घटाकाश घटाकाश आदि नाम परस्पर भेद घटाकाश करत आकाश में इसमें पहले भेद हो जाएगा तात्विक अरे भाई भेद कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इतना जगह पकड़ नहीं पा रहा भेद दिखाई दे रहा उपाधि में घट कमंडल गृह ये उपाधि भेद दिखाई पड़ रहा है आकाश बंद उसके साथ मिलकर के आकाश में भेद की प्रतीति हो रही है विचार पूर्वक निर्णय करोगे वो भेद उपाधि में बैठी हुई है आकाश में नहीं है आकाश में इसको समझाने के लिए इसको बोल देते हैं घटाकाश आदि आकाश स्वीकार अवयव यदि अंगीकार ऐसा अंगीकार कर तथापि भेद से बोलते हैं घटाकाश आदि न महाकाश विकार अभ्युपगम या तो विकार मानो अथवा अवयव अभ्युपगम है मतलब इसको अवयव मानो अवयव तो भेद अभाव अवयव दृष्टि से भेद का अभाव होने पर भी घटाकाश आदि नाम परस्पर घटाकाश पटाकाश महाकाश आपस में भेद है ये तात्विक भेद है बोल रहे हैं घटाकाश आदि घटाकाश करकाकाश मठाकाश में जो उसका रूप उसका कार्य उसका नाम में जो भेद है वो पारमार्थिक है घटाकाश पारमार्थिक मतलब पारमार्थिक है घटाकाश आदि स्वरूप आदि कार्य भेद रूप आदि रूप नाम और जो है अब अर्थ क्रिया करते भेद है वो जो पारमार्थिक है ऐसा पूर्ववादी बोल रहे हैं इसका चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं पारमार्थिक है मतलब वस्तु स्वरूप पर प्रयुक्त वस्तु का स्वरूप से भिन्न होता है ऐसा वो पूर्ववादी कहना चाहते हैं सिद्धांत क्या बोलेंगे आपका ये आपके आपका सूक्ष्म दृष्टि नहीं है स्थूल दृष्टि से देखते हो सूक्ष्म दृष्टि नहीं है इसलिए तो बोलते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा दृश्यते अग्रया बोलते हैं सूक्ष्म या सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु को देखने की अवकाश करना चाहिए सूक्ष्म वस्तु को देखने की जब अभ्यास करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे क्या कहाँ पे भेद है कहाँ पे अभेद है विचार करोगे तब देखोगे अरे ये संन्यासी किसी परंपरा के लिए भगवान ने प्राप्त करना क्यों इसमें भेद बुद्धि का कह रहे हैं हमारे जगत के सारा व्यदन तो समझेंगे ना सारा व्यवहार भी इतना मीठा हो जाएगा शुद्ध व्यवहार कि भेद बुद्धि के लिए भेद तो स्थूल है सूक्ष्म तो सब में एक ही कर्तव्य होते हैं आकाश से निर्विकारत्व निर अवयवत्व च लोकसिद्धम भेद का अरे भाई भेद कहाँ है घट पट मठ और आकाश में ना भेद है ना विकार है ना अवयव ये सबके प्रसिद्ध है सभी बात भी नहीं मान तो तुम कैसे बोल रहे हो कि पारमार्थिक भेद आकाश में है इसलिए बोलता है आकाश से निर्विकार होता है निर्विकार माने विकार नहीं है निर्विकार से और नि अवयव मतलब आकाश से विकार अवयव दोनों नहीं हो सकते क्योंकि आकाश निर्विकार है और नि अवयव है परमात्मा भी ऐसे ही है उससे भी निर्विकार और नि अवयव है वहाँ भी नहीं हो सकता
हिंद कारक भिन्न अवयवत्व लोक सिद्ध लोक प्रसिद्ध है ये विहित का उसको ग्रहण करके परिहरण की शंका को पहुंचा देते नहीं दल अस्थित आप जो बोल रहे वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है तो क्या है तो वो नहीं जस्मा परमार्थ आकाश से घटा का सुना पिता है ना पार्थिव की पारमार्थिक दृष्टि से है ना आकाश का महाकाश का घटाकाश ना विकार है ना अभिन्न दूसरे बोलते हैं एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं जस्मात परमात जो आकाश से परमात्मिक दृष्टि से आकाश का घटाकाश न विकार घटाकाश का विकार नहीं है परमात आकाश से मतलब अनुपाध है तो महाकाश से उपाधि रहित जो महाकाश है उपाधि रहित महाकाश में देखो ठीक है ना अनुपाधि को महाकाश से उपाधि रहित आकाश को उपाधि आप देखिए उसका एक वैधर्म दृष्टांत देना मतलब व्यतिरिक्त दृष्टांत देखिए यथा सुवर्ण से रुचक आदि है ना जिस प्रकार सुवर्ण से अलंकार बनते हैं वो सुवर्ण का विकार सुवर्ण नैत्य विधि उसका आकार में विकृत हो जाता है सुवर्ण यथा सुवर्ण से रुचक आदि यथा व अपा फेन बुद्बुद हिमादि अथवा जैसे जल क्या होता है फेन बुद्बुद तरंग हिम आदि उसका जो है सॉलिड फॉर्म जल का ही मतलब बर्फ हो गया बाष्प हो गया जल का ही है उपाधि के कारण ठंड से जम जाता है गर्म से बाष्प हो जाता है इसी प्रकार के अपाम फेन बुद्बुद हिम आदि जल में अंदर समुद्र में आपको फेन बुद्बुद बीची तरंग सब दिखाई दे रहे हैं जल से अभिन्न होकर ही दिखाई देता है जल ही अनेक रूप में देखे देते हैं परंतु आत्मा के एगो जल से कोई भिन्न वस्तु नहीं है एक वस्तु ऐसे होता है यथा सुवर्ण से रुचिका दी यथा व अपाम फेन बुद्बुद हिम आदि यहाँ पे देखिए दो नंबर के रुचक 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 विवाह आभरणम संव्यवहारिकम रूपकम है ना निष्का अपर पर्याय रुचकम मतलब गले में धारण करने वाला एक अलंकार रुचकम ग्रीवा आभरणम गले में धारण करने वाला सामव्यवहारिक है वो व्यावहारिक वस्तु समय रूप का व्यावहारिक रूप है निष्का पर सोने की एक दूसरा मतलब सेना मास है इसको उसका पर लिया हिंदू रूप में इसी शब्द वगैरह बोलते हैं एक ये दृष्टांत होती है और जैसे घटाकाश महाकाश का विकार अवयव नहीं है और मतलब विकार नहीं है मतलब उसका परिणाम नहीं है वहाँ पे किसी का इसका अवयव भी नहीं है अवयव के लिए दृष्टांत वगैरह देखें नापि अवयव मतलब घटाकाश महाकाश से नापि अवयव यथा वृक्ष से शाखादि विकार के लिए दो दृष्टांत दिया एक हो गया सुवर्ण की और अहंकार अथवा जल में जो फेन फेन बरन बुटबुट तरंग आदि दिखाई दे रहा है ये विकार के लिए दृष्टांत दिया और अवयव के लिए क्या दृष्टांत है जैसे जैसे वृक्ष एक ही है उसका शाखा आदि भिन्न होते हैं ना शाखा अलग डाल अलग पत्र अलग पुष्प अलग इस प्रकार के आकाश में ये होना भी संभव नहीं है ना अभी अवयव जाता वृक्ष से शाखा दी जैसे वृक्ष में शाखा भी दिखाई पड़ता है इस प्रकार जो है कि घटाकाश महाकाश की शाखा भी नहीं है घटाकाश महाकाश की शाखा भी नहीं है घटाकाश महाकाश के विकार भी नहीं है ऐसा शुभ अलंकार शुभ नहीं विकार दोनों ही नहीं है तो न तथा आकाश से भाष्य में देखी सीधा न तथा आकाश से घटाकाश विकार अभियोग इसी प्रकार से विकार के लिए दृष्टांत दिया सुवर्ण और वेद बुद्धपुर अवयव के लिए दृष्टांत दे वृक्ष की शाखा इसी प्रकार से आकाश का घटाकाश का विकार है या अवयव अवयव है तथा ही जैसा ये दृष्टांत तथा नैव आत्मन परस परमात्मा का परस आत्मन परमार्थ शब्द जो पारमार्थिक शब्द बोलते हैं उसका महाकाश स्थानीय जो महाकाश के स्थानीय में है ना महाकाश स्थानीय ये सब आत्मन षष्ठी एक वजन परस्य एक वजन परमार्थ सदैव षष्ठी एक वजन महाकाश स्थानीय है ना इसके सब षष्ठी एक वजन जो महाकाश के स्थान में परमार्थिक सत्यवर्ति जो परमात्मा है उसका और घटाकाश के स्थानीय में कौन है जीव घटाकाश के स्थान में जीव तो घटाकाश स्थानीय जीव सदा मूल में सदा मतलब सर्वदा यथत्व दृष्टांत में जैसे यहाँ पे दृष्टांत में कहा गया है न विकारो ना भी अवयव ना घटाकाश का महाकाश का घटाकाश ना महाकाश का विकार है ना अवयव देखिए भाष्य अधिक शब्द भी प्रयोग नहीं करते जितना चाहिए उतना शब्द बोल करके लोग समझा लेते हैं
अतः आत्म भेद भेद व्यवहार विषय इसलिए आत्मा में पारमार्थिक भेद मान के व्यवहार जो है ना ये सिद्धांत ही गलत है। आत्मा में पारमार्थिक भेद नहीं है, उपाधि ने भेद, उपाधि ने भेद को लेकर दी और उपाधि के व्यवहार हो गया, सारा व्यवहार उपाधि हो गया, आत्मा में पारमार्थिक व्यवहार ये अभिप्राय है। आप इतने तत्र वैधर्म उदाहरण द्वयम आह है ना, व्यतिरिक दृष्टान्त वैधर्म मतलब व्यतिरिक दृष्टान्त, तत्र वैधर्म उदाहरण द्वयम आह जो वैध अर्थ व्यतिरिक दृष्टान्त दिया यथा सुवर्ण से रुचका यथा अपापेण मुस्कुलि ठीक है ना, ये व्यतिरिक दृष्टान्त दिया क्या, इस प्रकार सुवर्ण का और मतलब अलंकार विकार होता है, इस प्रकार महाकाश का घटाकाश विकार नहीं है, परमात्मा का जीवात्मा विकार नहीं है, जैसे प्रकार जल के जल के ऊपर ही फेन पीछे तरफ जो गुरु दिखाई करते हैं इसी प्रकार जो जपन तो जल का वो नाम अब विकार नहीं है, वो एक प्रकृति मात्र है, इसी प्रकार तो आप आपके हिमालय अच्छी इसलिए बोलते हैं यहाँ पे तथा तत्र वैधर्म वैधर्म उदाहरण जो उदाहरण दिया आह जथा ऐसा कर फिर आगे बोलते हैं घटाकाश आदि आकाशाक्ष महाकाश से अवयव न भवति घटाकाश कर्काकाश कमंडलाकाश मठाकाश ये तो है आकाश आकाश महाकाश से आकाश मतलब महाकाश उस महाकाश का अवयव न भवति विकार तो नहीं हो सकता अवयव भी नहीं हो सकता उसका अवयव भी नहीं हो सकता इति अत्र व्यतिरिक्त दृष्टान्त उसका समग्र दृष्टान्त नहीं है तो व्यतिरिक्त दृष्टान्त दिया दिया यथापेक्ष शाखादि किंतु उसके समान तो समान दृष्टान्त है ही नहीं हमको व्यतिरिक्त दृष्टान्त भी देना पड़ेगा है ना व्यतिरिक्त दृष्टान्त मतलब उसका विपरीत नाम समान नहीं है तथा वृक्ष शाखा उक्त दृष्टान्तानां दृष्टान्तिकम इस प्रकार दो दृष्टान्त मतलब विकार के लिए दो दृष्टान्त अवयव के लिए एक दृष्टान्त दे करके आप ये दृष्टान्त आप दृष्टान्तिक बोल रहे हैं दृष्टान्त नाम है आत्मा में परमात्मा और आत्मा जीवात्मा और परमात्मा में भिन्न महाकाल घटाता उसी प्रकार परमात्मा और जीवन यहाँ पर उसके बोलते हैं उक्त दृष्टान्तानां दृष्टान्तिकम ये तो तीन दृष्टान्तों का आप दृष्टान्त ने घटा करके दिखा रहे न तथा आकाशस्य घटाकाश विकार तथा यहाँ एक कथा आएगा तथा नैव आत्मन परस्य परमात्म सत्व महाकाश स्थान यस्य ठीक है ना तीन किसी प्रकार से आत्मा जो परमात्मा जो पर अहंकार का स्थान है परमात्म सत्व वस्तु उसका घटाकाश स्थानीय जीव उसका घटाकाश स्थानीय जीव है सदा मतलब सर्वदा किसी भी अवस्था में बंधन अवस्था तो देखिए बंधन अवस्था में भी वो कभी परमात्मा भाव से चूक नहीं हुआ उसका जो परमात्मा भाव रहता है आप प्रतिपादन यहाँ के जहाँ पे अजातवाद है ना अजातवाद निर्विशेष भी है ईश्वर में तो जातवाद को लेकर हम ईश्वर को लाए हैं तो इसीलिए अजातवाद जब बोलता है निर्विशेष ब्रह्म की बनाए एक वहाँ पर चल क्योंकि प्रसंग जब हमारे यहाँ पे महादेव को करेगा यहाँ पे अजातवाद उत्पन्न वहाँ सामने या निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं मतलब अजात निर्विशेष ब्रह्म की उत्पन्न उत्पत्ति संभव नहीं है ईश्वर के सुना उत्पत्ति को प्रातिक उत्पत्ति मान करने का आधार उत्पन्न मान्य इसलिए ब्रह्म में ले जाना निर्विशेष ब्रह्म में ले जाना इसी प्रकार देव आत्मन परस्य परमात्म सत्व महाकाश स्थानीय से महाकाश दीप सदा मतलब सर्वदा सर्वदा क्यों बोल रहे सदा मतलब चाहे बंधन अवस्था हो चाहे मुक्ति अवस्था में कोई विकार पूर्ण अवस्था में नहीं चाहे बीमार पड़ा हो और चाहे स्वस्थ हो चाहे बंध हो चाहे मुक्त हो चाहे ईश्वर हो चाहे छुट्टी हो हर अवस्था में जीवात्मा में कोई परमात्मा से दिक्कत तो नहीं है जगत का दृष्टांत वाद ना विकार हो ना भी अवयव ना इसका विकार है ना अवयव ठीक है ना ये घटाकाशस्य ठीक है ना घटाकाशस्य महाकाशम प्रति विकारत्वम अवयवत्वम का नास्ति ठीक है ना घटाकाश घटाकाश का महाकाश के प्रति मतलब महाकाश के लिए वो ना उसका विकार है ना अवयव है विकारत्वम अवयवत्वम का नास्ति उसका भी कहा गया है दृष्टान्तत्वेन अनुद्य दृष्टान्त भाग को अनुवाद करके दृष्टान्तिकं दर्शन दृष्टान्त भाग को दिखा करके उत्तरार्थम व्याकरण श्लोक के उत्तरार्थ क्या था नैवात्मन सदा जीव विकार अवयव तथा इसे बोलते हैं दृष्टान्तिकं दर्शन उत्तरार्थम व्याकरण
यथा तथा नैव आत्मनः परस्य परमात्मशब्द महाकाशस्थानीयस्य घटाकाशस्थानीय जीव सदा सर्वदा चतुर्थ दृष्टान्तवत् न विकार नापि अभवः अनेकांतिकत्वेन अनुमानस्य अमानत्य सिद्ध इसलिए हमारे अनुमान में व्यभिचारित करके धर्म रहने के कारण सिद्ध फलिदम आह व्यभिचार क्यों हुआ। आपने जो कहा था कि आकाश में भिन्न नाम करता भिन्न कार्य करता भिन्न रूप करता तो कहाँ पे बैठ गया आकाश में तुम बैठे करके खाना चाहते हो इसलिए जो है वो तो घट पास में तो घट जाएगा मतलब आकाश में नहीं खाने का सिद्ध होता है। जो अनेकांतिकत्व आपका अनुमान व्यभिचारित होने के कारण अनुमानस अमानत अनुमान अपने साधु को सिद्ध नहीं करता स्थिति परिणाम हो और इसका शिकार नहीं करता आत्मभेद के व्यवहार इसलिए आत्मा की भिन्नता के कारण व्यवहार की भिन्नता है ये कल्पना मिथ्या है। उपाधि के भिन्नता के कारण व्यवहार में भिन्नता उपाधि के भिन्नता के कारण व्यवहार में भिन्नता आत्मा की भिन्नता के कारण व्यवहार की भिन्नता अतः आत्मभेद इसका तीन नंबर टिप्पणी है तब अभिन्न अभिन्न उससे अभिन्न है उससे अभिन्न है तब अभिन्न नियम तो उससे मूल से वो अभिन्न नियम से मित्र भेद से इसलिए आपस में जो भेद दिखाई पड़ता है वो तात्विक नहीं है वो उपाधि के कारण दिखाई पड़ते हैं प्रतिष्ठा तो आकाश में लेकर इसके अंदर इस प्रकार से नहीं जी ये जो आप कह रहे हो ना ये सही नहीं है किसी को पूछ करके देखो किसी को पूछ करके देखो मैंने नाना नहीं सुना है कोई एक द्वैत आचार्य कोई एक अद्वैत आचार्य के पास गए एक द्वैत आचार्य किसी अद्वैत आचार्य के पास गए वो भी नाम है बोलता मैं आपको शास्त्र से करना चाहता शास्त्र के भी विषय को लेकर के द्वैत सत्य है कि अद्वैत सत्य है तो बोलते ठीक है तुम किस पक्ष को लेकर के बोलोगे द्वैत सत्य है कोई बात नहीं कल सुबह आने में आ जाना कल सुबह आठ बजे आ जाना आज वह उनके पास एक दूध देने वाले आते हैं एक बर्तन साफ करने वाले आते हैं तो वो लोग आते हैं उनको बैठे अच्छा भाई तुम देखो देखो तुम ब्रह्म हो तुम मैं हूँ वो बोलते महाराज ऐसा नहीं बोलना पाप लगेगा मैं आपसे भिन्न हूँ महाराज ऐसा नहीं बोलना पाप लगेगा मैं आपसे भिन्न हूँ तो बैठा अरे भाई तुम नहीं हो तुम ऐसे भिन्न नहीं हो महाराज ऐसा नहीं बोल हिंदुओं को पाप लगेगा बताओ ये व्यक्ति आपके तरह शास्त्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा नहीं ये क्या बोलते हैं कि भेद है तो भेद सिद्ध करने के शास्त्र की क्या सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं इसलिए शास्त्रार्थ का विषय नहीं आप अपने तो ठीक है इसी को लेकर अभी आ रहा अभी जो अधिकार है वो उसको समझा है इसीलिए अद्वैत को सिद्ध करने के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है वो तो सभी व्यक्ति सामान्य भेद व्यक्ति चरण में निकाल देंगे हमारे तुमसे भिन्न भेद अब नहीं अद्वैत को समझने के लिए आपको विचार निश्चित है इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि दसवा जीव ब्रह्मण न अंशो न विकार अभी अभी तो ब्रह्म एव उपाधि अनुप्रविष्ट जीव शब्दितम इति उक्तम वैदांतिक सिद्धांत है ठीक है वैदांतिक सिद्धांत टीकाकार जो बोल करके आ रहे हैं उसको बार बार संक्षेप में बुद्धि में बैठा लेकिन उसको अनुपस्थित लोग होते हैं इसको जीव ब्रह्मण न अंश न विकार है ना जीव ब्रह्म का ना अंश नहीं है अव्यापी नहीं है विकार नहीं आपके तो ब्रह्म एव वो ब्रह्म ही है उपाधि अनुप्रविष्ट जीव शब्दितम उस उपाधि में प्रवेश करके जैसा उपाधि में प्रवेश करके आकाश घटाकाश हो गया आकाश महाकाश हो गया किसी प्रकार ये शरीर उपाधि में प्रवेश करके कोई ब्रह्म मनुष्य नाम को प्राप्त हो गया नहीं मानते
इसलिए होता है तो ब्रह्म एक उपाधि अनुप्रविष्ट जीव शब्दितम इति उक्तम। ये तुमने कहा पूर्ववादी बोले, ये तुमने कहा तदुक्तम। ये आपका कहा युद्ध संबंध नहीं है, युद्ध के ब्रह्मण शुद्ध शुद्धत्वा जीवस्य रागादिमलवत्व तक एक शुद्ध है अशंक है। अजय राग देश जीवावे ब्रह्म कैसे होगा, ये ब्रह्म कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्म शुद्ध है, तुम्हें भी मानते हम भी मानते हैं। और ये राग देश जीवा हो तो ये ब्रह्म कैसे होगा, हो नहीं सकता। ब्रह्म न शुद्धता जीवस्य रागादिमलवत्व, इसलिए एकत्व अयोगा, इसलिए एक होना तो दोनों अभिन्न होना तो संभव ही नहीं है, दोनों अभिन्न होना संभव नहीं। आशंक ऐसा शंका उठा करके परमार्थ तो जीवस्व अभी नास्ति मलबत्व नहीं। कितना हमारे आचार्य जो आपके मन में मल पता है, तुम्हारे अंदर मल कुछ भी मल नहीं है पारमार्थिक दृष्टि से, वो तो मन में है, उससे आपने अलग कर दो तो हमेशा शुद्ध परमार्थ तो पारमार्थिक विषय जीवस्व अभी जो जैसा ब्रह्म में वैसे जीव में अपने मतलब जैसे ब्रह्म से नास्ति मलबत्व, वहाँ पर कोई राग द्वेष कलुषता कुछ भी नहीं है। इति आहो किसी को मन में रखते हुए अभ्यास को बोलते हैं यथा भवति बालानां तथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलिहि गगनं मलिनं मलिहि तथा भवत्य बुद्धानां तथा भवत्य बुद्धानां मात्मापि मलिनो मलिहि मात्मापि मलिनो मलिहि यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलिहि तथा भवत्य बुद्धानां मात्मापि मलिनो मलिहि। इससे छोटा बच्चा है बालानां मतलब अविवेकिनं बालानां मगोदोनाय शुकबोधाय पियतिकर के संगत अथवा दुख सिद्धांत कोमति बालानां मतलब जो उसको नहीं समझते, छोटा बच्चा के लिए नहीं बोल रहे अर्थात जो अभी तक का प्रसंग पढ़ा है उन लोगों की भी पुस्तक को बनाएंगे किसी प्रकार से, जिसको अभी तक बालानाम अविवेकी नाम आकाश क्या दिखता है इसका, आकाश नील रंग का है अथा आकाश में बादल है, आकाश बालक को बंधा कर दिया, इस प्रकार की जो बोलते हैं वो अविवेकी व्यक्ति बोलते जाता भगवती बालानाम गगनम मलिने मलि, बालकों के लिए गगन जो है मल के द्वारा मलिन हो जाता है ऐसा कहते हैं। तथा भगवती अभुत्थाना अविवेकी व्यक्ति, अरे मैं तो जीव हूँ, मैं तो जन्म में मरने वाला हूँ, मैं पापी हूँ, इस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति अपने को मानते हैं। तथा भगवती अभुत्थाना अविवेकी व्यक्ति का आत्मा अपनी मलिनो मलि है ना, आत्मा भी मतलब पाप का शुद्ध लोग जाना मृत्यु वाले से जुड़ा हुआ अविवेकी व्यक्ति ऐसा समझता है, जैसे अविवेकी व्यक्ति आकाश को करमाने वाला समझते हैं उसी प्रकार छोटा बालक की तरह अविवेकी व्यक्ति अपने को ऐसे पापी तापी जन्म मृत्यु वाला रूप प्यास वाला मानता है, तो आत्मा में कोई धारणा की है ही नहीं, इसको लेकर के इस व्यक्ति को इसलिए यहाँ पे इस लोक का अर्थ जैसे यथा बालानाम गगनम मलिनम मले यथा बालानाम मले गगनम मलिनम भवति तथा अभुत्थानाम आत्मा अपि मले मलिनो भवति। ऐसा होगा सीधा सीधा कथा अभुत्थानाम आत्मा अपि मले मलिनो भवति, मल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, मल अलग स्थान में है, आकाश कितना ऊंचा है जितना ही जाओगे आकाश उठ जाएगा कितना भी है ना, आप अब सामने हमको दिखाई पड़ता है कुछ, इसलिए इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, पर तो अविवेकी व्यक्ति ऐसा समझते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा सर्वदा अशंक है, व्यापक है, पूर्ण है, परंतु अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को मान्यता दे करते हैं, शुभ है जब कुछ कर्म करता हूँ सफल हो जाता है, मैंने ये किया इसलिए मैं ये प्राप्त हुआ, फल विपरीत भी होता है, जब आप असफल होंगे तो दुखी भी होंगे। जब आत्मा में कुछ भी नहीं है, ये मन की कर्म है, मन से या बुद्धि से क्रिया होती है, बोध होती है, इसलिए जब बुद्धि में जो शुद्धता आएगा तब आप देखोगे आत्मा सर्वदा असंभव पूर्ण है, इसका भी श्लोक से तात्पर्य आह है ना, कि श्लोक के तात्पर्य तो भगवान भाष्य कर देगा, यस्मा यथा घटाकाश आदि भेद बुद्धि निबंधन रूप कार्यादि भेद व्यवहार तथा देह उपाधि जीव भेद कृत
जन्म मरणादि व्यवहार तत्कृतम एवं क्लेश कर्म फल बलवत्तम आत्मन न परमार्थ एक अर्थम निष्ठा एवं प्रतिभिष्य आह। ठीक है, भाष्य में लिखी लैंग लिखने में कुछ भी रुकावट नहीं है, एकदम प्रसन्न रहता है। घटाकाश आदि भेद बुद्धि निबंधन, घटाकाश दिखता है घटाकाश इस बुद्धि के कारण निबंधन करना, रूप कार्यादि भेद व्यवहार रूप कार्य सत्य का भेद दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार का था देह उपाधि जीव भेद कृत शरीर उपाधि से जीव भेद के दिखाई पड़ते हैं, उससे कहते हैं जन्म मरण आदि व्यवहार है ना, जन्म मृत्यु जरा व्यादि शुभ जो भूख या सारा व्यवहार शब्द गुरु ही बोलते हैं इसको, है ना। इस प्रकार का स्मार तत्कृतमेवर इसलिए उपाधि कृत से मंच क्लेश है अविद्या अस्मिता राग देश अभिवेश आत्मा में अविद्या भी नहीं है क्लेश कर्म फल ये कर्म और कर्म के फल यही हो ना मल वत्तम यही हो इस प्रकार से मल वाला मतलब दोष वाला बन जाता है आत्मा में न परमार्थ तो पारमार्थिक आत्मा में ये नहीं है। यदि एकम अर्थम इस प्रकार से इस विषय को दृष्टान के नए दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपिपाद ईषण मतलब प्रतिपादन करने की इच्छा से आह कालिकाकार आह कालिकाकार क्या होता है तथा भगवती बालानाम गगनम मरितम मरे तथा भगवत अभुत्थान आत्मा विमलि आज उसका पहला वाला होगा अजम अतियम योगम प्रापरश्वरीय योगा पूर्णमादाय पूर्णमेवा।